अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज 26वां रोज़ा है फ्रेंड्स, और आज का रोज़ा बहुत ही स्पेशल है इसलिए क्योंकि आज अलहान का फर्स्ट रोज़ा है और अलहान ने आज रोज़ा रखा है। और देखिए अभी क्या कर रहा है वो अलहान। अलहान सलाम कर दो सबको। वालेकुम। उसका अभी मतलब कि थोड़ा सा मूड ये है क्योंकि अभी तो ऑलरेडी मतलब कि अढ़ाई हो चुका है, बस कुछ ही देर और है, 6:03 में तो अज़ान हो ही जाएगा। और एक्चुअली वो रात में मतलब कि बहुत हम लोग इंटाली का मतलब इंटाली गए थे तो इसीलिए बहुत रात हो गया था आने में, तो बहुत ही लेट हम लोगों ने खाना खाया। 12 ऑलरेडी हो चुका था तब हम लोगों ने खाना खाया। उसके बाद 2 मतलब कि मैं ब्रश करने जा रही थी, सोचा कि 2 मैं ब्रश करके सो जाऊंगी कुछ खा करके थोड़ा मीठा, तो सोचा कि लेकिन अलहान जागा हुआ था, उसने कहा मैं भी रोज़े रखूँगा, तो वो रोज़ा रखने मतलब कि मांग रहा था तो मेरे साथ उसने भी ब्रश किया। और 2 के करीब उसने मतलब कि सोचा मतलब कि मैंने उसे फिरनी खिलाया, मैंने कहा था कि सीधी रात में अगर मैंने उसे उठाती तो वो नहीं उठता, और इसीलिए मैंने उससे कहा कि ठीक है अभी मतलब कि तुम 2 तुम ब्रश कर लिए हो तो खा लो कुछ। वो फिरनी एक ठो खाया और एक ठो खजूर खाया और पानी पी के वो सो गया। और 3:40 में मैंने उसे उठाया था पानी पीने के लिए, तो वो पानी पीने के लिए भी नहीं उठ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसे उठाया, एक घूंट पानी पिया, उसके बाद वो सो गया। और अभी वो उठा है, करीब 12 वो उठ गया था, उठ करके उसने वो नहाया धोया है और अभी वो बैठा है। मतलब थोड़ा सा लग रहा है इसका मूड, भूख तो उसे नहीं लगा है लेकिन थोड़ा सा प्यास है, मतलब कि गर्म है इसका वजह से। चुप हो ना, ठीक है, अंदर से तुमको उतने का बात का। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं टमाटो केचप लगा करके इसमें ब्रेड में दूंगी, इसमें आलू दूंगी, इसमें ब्रेड में। कीमा नहीं दीजिएगा, कीमा नहीं दीजिएगा ना? कीमा देंगे, तुम खाओगे कीमा वाला? नहीं। तुमने खाओगे कीमा वाला? नहीं। ये अच्छा लगेगा तो। थोड़ी देर पहले अलहान अपना आपसे ही व्लॉग बना रहा था, उसने कहा था कि अंडा दे, तो एक्चुअली क्या होता है ना, वो कोई ज़्यादा बकने लगता है तो उसको यही बात बोलने लगता है वो कि अंडा दे, अंडा फेंटने वाला काम होता है ना, इसीलिए वो बोलता रहता है कि अंडा दे। एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही मतलब कि रोज़ा रख के ना वो चिलचिड़ा हो गया था, इसीलिए वो गुस्सा में मतलब कि बोल दे रहा था कि यही बात बोला था वो। अम्मी ब्रेड को मतलब 4 में ये कट कर रही है, और इतना बड़ा बड़ा पीस अच्छा नहीं लगता खाने में, इसलिए हम लोग 4 कर लेते हैं तो अच्छा लगता है खाने में। आज अलहान का मतलब अफ्तार में उसका पसंद की चीज़ें बन रही है, और ब्रेड पकौड़ा बन रहा है, आली चाव बन रहा है, वो ब्रेड क्रम्स का खाने मांगा था तो ब्रेड क्रम्स का बन रहा, मतलब कि बेसन का वो नहीं खाने मांगता है इसलिए ब्रेड क्रम्स का आलू चाव बन रहा है उसके लिए। और कल भी पनीर पकौड़ा बना था 25वां रोज़ा के दिन, और आज 26वां रोज़ा, तो आज भी पनीर पकौड़ा बन रहा है, वो ऑलरेडी मतलब कि वो रोज़ा है तो उसके पसंद की चीज़ें तो बनेंगी ही। तो जब भी अफ्तार में मतलब कुछ भी उसे बोला जाए कि पसंद क्या है अलहान, तो वो पनीर पकौड़ा का ही नाम लेता है, तो वो रोज़ा है तो पनीर पकौड़ा तो आज बनना ही था, तो मैंने मसाला लगाकर पनीर में फ्रिज के अंदर रख दिया है। तो चलिए अभी मैं नारियल कूटने जा रही हूँ, थोड़ी देर बाद में आप लोगों से बात करूँगी। 4 तो बज चुके हैं, बस 4:10 हो चुका है, बस सिर्फ 2 की बात है, बस अलहान थोड़ा सा ये कर ले, मतलब उसे भूख तो मतलब कि लग रहा नहीं है लेकिन प्यास थोड़ा ये हो रहा है, थोड़ा उससे प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब फिर भी वो मांग रहा नहीं है, वो जानता है कि वो रोज़ा में है, इसीलिए बस 2 बस सबर रखे वो, और माशाल्लाह उसका रोज़ा आज का मुकम्मल हो। बहुत दिन से बोलता था कि रोज़ा रखूँगा, नहीं रख पा रहा था लेकिन आज रखा है, बस अल्लाह से दुआ है कि वो बस मुकम्मल कर ले आज का रोज़ा पूरा, बस 2 और मेरा बच्चा बर्दाश्त कर ले।
सलाम करो। अलहान रेडी हो गया, कपड़ा पहन के स्टैचू बन गया। देखिए ये देखिए स्टैचू को, ये इंसान नहीं, ये स्टैचू लग रहा है हमको। अब गुस्सा से तो बेहाल हो रहा है, गुस्सा से लग रहा है कि कुछ कर बैठेगा किसी को भी। एक्चुअली मैं बाहर निकली थी ये फूल का ये लाने के लिए, हार मम्मी को शौक था पहनाने का, इसलिए हम लोग फूल का हार ले रहे थे। ये देखिए हमने ले लिया और हम जा रहे हैं लस्सी लाने के लिए। अलहान को लस्सी पीना था तो हम लोग लस्सी लाने के लिए गए थे, और वहाँ पर वाइट लस्सी नहीं था, वहाँ पर वो रूअफ़ा दे के रूअफ़ा ऐड करके लस्सी पीना था, तो हमने ले लिया। हम लोग घर आ गए और अलहान देखिए यहाँ चुपचाप बैठा है, क्योंकि बाहर से आने के बाद तो प्यास तो लगता ही है, इसलिए वो उसे प्यास लगा हुआ था, उससे चुपचाप बैठ गया था। यहाँ देखिए मम्मी पनीर का पकौड़ा बना रही थी। बस एक घंटा और अलहान, बस सिर्फ एक घंटा और, कुछ नहीं। ये देखिए 5:15 हो रहा है, 6:03 पे अजान हो जाएगा। सिर्फ एक घंटा है बस, और कुछ नहीं है, एक घंटा है। अब थोड़ा और, एक घंटा तो है ही बेटा हम लोग, क्या तो फिर भी 6 अजान हो जाता है, बाकी सब जगह 7:00 पानी नहीं पीते हैं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं खाया पिया जाता। तुमको पता नहीं तुम सुबह से कुछ खाया पिया है? अच्छा चल के नन्ना का बना रही, जल्दी चलो आओ, आजा बाबू मेरा। सुबह से ठीक था, बस अब 4:30 ना, तो तब से वही प्यास। अब और सिर्फ आधा घंटा, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने फल काट के रखा अलहान के लिए, अंगूर मंगवाया था, और ये देखिए अनार भी है, और यहाँ पर समय भी बना है, चूड़ा, और ये रहा चूड़ा। चलिए फ्रेंड्स चलती हूँ अफ्तारी लगाने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा अफ्तारी लग चुका है, और ये अलहान बैठा है, और ये देखिए इसका मैंने फ्रूटी लाया था छोटा वाला, और ये है लस्सी है, ये लस्सी पिंक वाला लस्सी है, इसमें रू अफ़ज़ा मतलब कि ऐड किया हुआ है, और मीठा में है समय है। हाँ, और अब टाइम देखिए हो रहा है 6:00 को, बाकी है माशाल्लाह पहला रोज़ा मेरा बच्चा का मुकम्मल हुआ। सलाम कर दो अलान, जोर से बोल दो। सबसे पहले खजूर खाओ गया अलान, ठीक है? पानी पहले नहीं पियोगे, पहले खा लोगे तब पानी पीना थोड़ा, ठीक है? उसका जब खा लोगे तब फिर पानी पियोगे, ठीक है? गड़गड़ा के पानी नहीं, हाँ हाँ हम पानी दे रहे हैं, पहले आप खजूर खाओगे, फल खाओगे, उसका बाद हल्का सा पानी पियोगे, ठीक है? खान का तरीका देखिए। सिर्फ एक मिनट बाकी, एक मिनट, एक मिनट।
चलो खाओ ना, अजान हो रहा बेटा, खा लो, बिस्मिल्लाह बोल के खाओ। माशाल्लाह फ्रेंड्स, अलहान का पहला रोज़ा मुकम्मल हुआ बहुत ही अच्छे से। सिर्फ 5 बजे से वो उसे प्यास लगना मतलब कि स्टार्ट हो गया था, बहुत ज़्यादा उसे प्यास लग, इसके अलावा कोई परेशानी नहीं हुआ, बस थोड़ा सा मूड ऑफ रहता था उसका, और मतलब किचकिच मतलब कि थोड़ा सा रोज़ा रखने से चिड़चिड़ा जाता है, वैसे ही हो रहा था वो। बाकी तो मतलब कि ठीक ही रहा, वो रोज़ा अच्छा से रख लिया और इसका पहला रोज़ा मुकम्मल हुआ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।